रिपोर्ट आपने मुलाहजा की। बात करेंगे बलोचिस्तान की। बलोचिस्तान में इंडस्ट्रियल जोन के क्याम की मंजूरी बलोचिस्तान हुकूमत की जानिब से दे दी गई है। ये गवादर को बिल्ड करने के लिए, बलोचिस्तान को बिल्ड करने के लिए ये फैसला लिया गया है। और आपको बताएं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के लिए अराजी खरीदने की मंजूरी भी दे दी गई है। खुजदार, तुर्बत, कला सैफुल्ला और चमन, ये वो इलाके हैं जहां पर इंडस्ट्रियल जोन्स जो हैं वो बनाए जाएंगे। और चीफ मिनिस्टर जो बलूचिस्तान के हैं नवाब सनाउल्ला जहरी, उन्होंने स्पेशल इकोनॉमिक जोन अथॉरिटी के पहले इजलास से जब खिताब किया, बात की और उस इजलास की सदारत की, तो फिर ये मंजूरी दी है उन्होंने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की। और ये भी कहा जा रहा है कि इसके बाद देरा मुराद जमाली में, दश्त में, लसबेला और कोयटा में भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए जाएंगे। वजह क्या है इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने की? इसमें जो 5 साल तक एग्जम्पशन होगी इनकम टैक्स से, यहाँ पर आप जो है वो इंडस्ट्रियल जोन के अंदर अपनी इंडस्ट्रीज लगा सकते हैं और उसके बाद आपको 5 साल तक इनकम टैक्स नहीं देना होगा। और ये भी आपको बताएं कि 6 हफ्तों में फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी सामने आ जाएगी और इसके लिए एक कंसल्टेंट को भी अपॉइंट किया जाएगा, इसकी भी मंजूरी दे दी गई है। और बलोचिस्तान हुकूमत के तर्जमान ये कहते हैं कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हमारी पहली तरजीह है। इस पर मजीद बात करेंगे दोस्तें जमाल दीनी साहब, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, गवादर पोर्ट अथॉरिटी के हेड हैं। बहुत शुक्रिया जमाल दीनी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, अब इसकी मंजूरी दे दी गई है, 6 हफ्तों में कहा जा रहा है कि इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी जो है फाइनलाइज हो जाएगी, तो कितनी बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है खासतौर पर इन शहरों की जिनकी बात की जा रही है, खुजदार की, तुर्बत की, कला सैफुल्ला की और चमन की? हेलो, आप उनसे बात कर रहे हैं? जी जी, आपसे। आपका सवाल पूरी तरह से मैंने सुना नहीं। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो अब इकोनॉमिक जोन्स की बात हो रही है, कितनी बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है बलूचिस्तान के इन शहरों में? अच्छा, आप मेरे ख्याल में ये जो कल मीटिंग हुई है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की और बलूचिस्तान स्पेशल इकोनॉमिक जोन अथॉरिटी के, सवाल पूछना चाह रहे हैं। जी जी। तो यकीनन जो है ना, बलूचिस्तान का चूंकि एरिया बहुत ज्यादा है और बलूचिस्तान इज द ओनली प्रोविंस विच इज द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद द नेबरिंग कंट्री, तो यकीनन जो है ना एक ट्रेड का और बिजनेस का एरिया जो है ना बलूचिस्तान बन सकता है। और बलूचिस्तान में इस वक्त भी जितने भी हाईवेज हैं, ये हाईवेज बेसिकली जो है न सिर्फ है कि बलूचिस्तान को कनेक्ट करते हैं नेबरिंग प्रोविंसेस के साथ, खैबर पख्तूनख्वा, सेंट्रल बलूचिस्तान के साथ, बल्कि ये अफगानिस्तान, ईरान और साथ साथ में आगे जो है ना चाइना के भी करीब है। तो इस हवाले से बड़ा सूटेबल जो है ना एरिया या अपने लोकेशन के हवाले से कि यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के इकोनॉमिक जोन। अब ये बात तो जमाल दीनी साहब वाजे हो गई है कि सिर्फ गवादर डेवलप नहीं होगा, जब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में डेवलपमेंट की बात होगी तो फिर खुजदार भी डेवलप होगा, तुर्बत भी, कला सैफुल्ला भी। यकीन। और ये जो कल बलूचिस्तान पीजा की मीटिंग हुई है, इसमें सीपैक के कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ बात नहीं हुई है, इसमें अदर देन सीपैक भी हुआ है। और चूंकि जैसे कि आपके इल्म में हो कि 6 जीसीसी में जब हम दफा गए चाइना में, तो हर प्रोविंसेस से एक एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन की जो है ना, बिल्कुल सही की। बहुत शुक्रिया जमाल दीनी साहब, वक्त हमारे पास थोड़ा है, बहुत शुक्रिया, आप हमारे से टेलीफोन पर बात कर रहे थे, आपसे मजीद भी हम इस बारे से डिटेल्स लेंगे, लेकिन उससे पहले हमें जाना है न्यूज स्टूडियोज ब्रेकिंग न्यूज के लिए, उसके बाद वापस आएंगे।